फ्रेंड, मैं हूँ दीपिका। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही आप कैसे बाहर का मजा ले सकते हैं, बाहर रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हैं। ये COVID-19 का टाइम है, बाहर लॉकडाउन है, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो घर पर ही कैसे आप लोग रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हो। तो आज चलिए मैं आपको बताऊंगी कि घर पर आप कैसे डिनर करेंगे, लाइक कैंडल लाइट डिनर हो या बाहर रेस्टोरेंट टाइप, आप कहीं भी जाते हो तो आप जिस तरह का एंजॉय करना चाहते हो किस तरह से करेंगे। वैसे तो आज रात का डिनर मैं नहीं बनाऊंगी, और कौन बनाएगा और क्या बनाएंगे वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा कि आज क्या बनने वाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बनाने जा रहे हैं और मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगी। आज रात के डिनर में हमने एक फ्रेंड को बुलाया है और वो लोग आने के बाद हम लोग डिनर बनाएंगे, और क्या बना है, कैसे बना है, हमारे फ्रेंड भी बताएंगे आपको। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या बन रहा है। सोच रहे होंगे कि अभी बाहर हम लोग रेस्टोरेंट का खाना जैसे खाते हैं, घर पर वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग ग्रोसरी के लिए नहीं जा सकते, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ अच्छा घर पर है नहीं, तो कैसे हम लोग घर पर ही खाना अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन ये भी है कि क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम है और बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन ग्रोसरी के लिए आप जा सकते हैं, और के लिए तो आप प्रोटेक्शन आप जरूर लीजिए, लाइक आपको मास्क पहनना होगा, ग्लोव्स पहने होंगे, तभी आप जाकर बाहर सेफ रहेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए हम लोग बहुत डर डर के घर पर रह रहे हैं कि क्या होगा, बाहर अगर जाएंगे तो कहीं हम लोग भी इफेक्टेड ना हो जाए, हम लोग भी एक्सपोजर हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग मास्क और ग्लोव्स पहनना ना भूलें, बाहर जब भी जाएँ आप मास्क और ग्लोव्स पहनकर ही जाएँ। तो फ्रेंड चलिए आज किचन में क्या बन रहा है और कौन बना रहा है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किचन में कौन है। चलिए चलते हैं किचन में कौन है और क्या बना रहे हैं। हेलो हेलो डॉक्टर तेज, हेलो हाउ आर यू। तो आप क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रहा हूँ एग नूडल पास्ता। एग नूडल पास्ता? या एग नूडल एंड फलफल पास्ता। तो आप दिखाएंगे हमें एग नूडल कौन सा है और पास्ता कौन सा है? ये है एग नूडल, ओके, और ये है फलफल पास्ता, ओके। तो ये दोनों को आप मिलाकर बनाएंगे? हाँ, ये एक्चुअली उबलने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो पहले इसको उबालेंगे और उसके बाद इसको डालेंगे, क्योंकि उबलने में बहुत कम टाइम लगता है, ओके। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पहले पानी डाल रहे हैं, पानी में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, ओके, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल क्यों? ऑलिव ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि वो जो पास्ता जब उबल जाए तो होने के बाद वो चिपके ना, ओके, इसलिए डालते हैं। और थोड़ा सा नमक डालेंगे, जस्ट टू गिव ए स्लाइट टेस्ट, ओके। अब जब पानी उबल जाए तभी हम उसमें पास्ता डालेंगे, उससे पहले पास्ता नहीं डालेंगे, ओके। और पास्ता में हम लोग ये डालेंगे, बारीकी से पतले पतले कटे हुए प्याज, और जितना फाइन हो सके उतना फाइन काटेंगे आप जुकीनी, ओके, और लॉट्स ऑफ गार्लिक, ये दे आर चॉप्ड और उसको काटा हुआ है, और ब्रोकली आप ज़्यादा बड़ा पीस मत करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पका होता है और थोड़ा सा कच्चा होता है, ओके। और ये मशरूम, बटन मशरूम या पतला पतला कटा हुआ है, और स्पिनच, नॉर्मली मैं स्पिनच काटता नहीं हूँ, बट ये मिक्स करने में आसान होता है, इसलिए थोड़ा सा काट दिया है उसको, ओके ओके। तो अभी देखो पानी उबल गया है, तो अभी मैं ये वाला पास्ता, द जो फलफल पास्ता है, वो पहले डालूंगा, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए इसको मैं पहले डालूंगा, और इसको 5 मिनटों में उबालूंगा, 5 मिनट, 5 to 6 मिनट। उसके बाद मैं एक नूडल डालूंगा, क्योंकि उसको उबलने में 5 to 6 मिनट लगता है। अच्छा, तो okay. ये ज्यादा टाइम टेकिंग है, पहले हाँ, और उसके बाद ही दूसरा वाला डालूंगा, ओके। तो मैंने ये डाल दिया, अभी इसको थोड़ा पकने दूंगा, और इन द मीन टाइम उसको थोड़ा सा स्टर कर दो ताकि वो चिपके ना नीचे, ओके। तो फ्रेंड ये है मेरे हस्बैंड, और ये पास्ता बहुत अच्छा बनाते हैं, और आज ये हमें बताएंगे कि पास्ता इन्होंने कहाँ से सीखा। आपने जैसे ही कहा 5 to 6 मिनट तक ये बॉयल होगा, उसके बाद आप एग नूडल डालेंगे, तो ये अभी बॉयल हो रहा है, तो जब तक ये बॉयल हो रहा है हम आपसे कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपने पास्ता कहाँ से सीखा?
एक्चुअली पास्ता मैं जब यूएस आया था 2010 में, तब मेरे एक फ्रेंड से मैंने सीखा था कि मुझे पास्ता पसंद था, मैं बाहर पास्ता खाता था, बट पास्ता बनाने का शौक भी मुझे था, बट वो उसने ऑब्वियसली आपको हाँ खाना बनाने का बहुत शौक है। तो उसने मुझे पहले उसने सिखाया कि पास्ता में क्या क्या डलता है, तो उससे मैंने सीखा, फिर मैंने अपना वर्सन सारा बनाने ट्राई किया, डिफरेंट डिफरेंट वर्सन विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पास्ता, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ सॉस में लेके आया, और उसमें वेजिटेबल्स भी, ऐसे यहाँ पे जो पास्ता बनाते हैं क्या करते हैं, पास्ता को उबाल लेते हैं, उसके ऊपर उसके बाद सॉस डाल देते हैं, उसको खा लेते हैं, बट मैंने सोचा कि थोड़ा उसको थोड़ा इंडियन ट्विस्ट दूँ, तो उसमें मैंने डिफरेंट वेजिटेबल्स ऑब्वियसली डालने इंडियन लगा। में थोड़ा हाँ स्पाइसी टेस्टी यम्मी पसंद करते हाँ हैं, तो आप इसके लिए कौन सा सॉस यूज करने वाले हैं? ये जो पास्ता है इसके लिए, क्योंकि एग नूडल है तो इसमें अच्छा अच्छी तरह से ये जाएगा अल्फ्रेडो सॉस, जो कि व्हाइट सॉस है, ये क्रीमी सॉस है, व्हाइट क्रीमी सॉस, इसमें भी चीज़ डला हुआ है, ठीक है, तो ये नॉर्मली मैं इसमें प्रिफर करता हूँ एग नूडल्स में। अगर दूसरा कोई पास्ता, अगर सिर्फ मैं वो फ्राफेल पास्ता बनाता तो उसमें मैं रेड सॉस यूज करता, क्योंकि उसमें रेड सॉस अच्छा जाता है, तो ये कंबाइन होगा तो इसमें ये जाएगा अच्छी रेड तरह से। सॉस मतलब रेड आप सॉस ये वाला जो है नॉर्मली मैं लेके आता हूँ, ये वाला प्रेगो वाला सॉस, ये टमाटो बेस्ड सॉस है, ठीक है, टमाटो बेजल, हाँ टमाटो ये है प्रेगो, ओके, टमाटो बेजल, ओके, एंड गार्लिक ओनियन इसमें होता है, ओके, तो मैं भी प्रिफर, अगर आप नॉर्मली बस एग नूडल्स बनाते हैं तो आप गार्लिक अल्फ्रेडो यूज करते हैं? या अल्फ्रेडो यूज और करूँ, नॉर्मली अगर ये सिर्फ बना रहा हूँ तो मैं ये वाला सॉस यूज करूँगा, क्योंकि दोनों मैं को एग क्योंकि एग नूडल मिक्स में ये करके बन अच्छी तरह से जाता है, इसलिए मैं ये यूज करता हूँ, ये मेरे टेस्ट के हिसाब से, और दूसरे लोगों को दूसरा टेस्ट अब भी हो सकता है, वो रेड सॉस भी यूज कर सकते हैं और बेजिल पेस्टो भी यूज कर सकते हैं, ओके, तो मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ, और मैं एक्चुअली इसमें वेजिटेबल्स ये सारा प्रेफर करता हूँ, जुकीनी और और ओनियन क्या क्या फाइनली, प्रिफर करते हैं आप डालना, जैसे ये जुकनी जुकीनी जुकीनी फाइनली ककड़ी? चॉप्ड, फाइनली ओके चॉप्ड, और ओनियन भी बहुत पतला पतला बट लंबा लंबा कटा हुआ, और लंबा लंबा होता है तो यू फील इट इट्स प्रेजेंस, ठीक है, और मैं ब्रोकली ब्रोकली बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा नहीं ऐसे पीस काटता हूँ, ठीक है, और ब्रोकली एक अच्छा टेस्ट देता है जब थोड़ा सा कच्चा होता है और थोड़ा सा पका होता है, ठीक है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा पकाता नहीं हूँ, ओके, और मशरूम देता हूँ, मशरूम का एक अलग सा फ्लेवर होता है, मशरूम आई लव मशरूम, ओके, आई लव टू पुट मशरूम इन एवरीथिंग एंड इट गोज़ वेरी वेरी विद पास्ता, ओके, और फिर मैं इसमें गार्लिक, जैसे अब मैंने पहले आपको बताया कि गार्लिक बहुत सारे देता हूँ, क्योंकि गार्लिक एक मैजिक इंग्रेडिएंट होता है जो किसी भी टेस्ट किसी भी चीज़ का, जो लोग गार्लिक खाते हैं उनके लिए मैजिक इंग्रेडिएंट है, जो किसी भी चीज़ का किसी भी डिश का टेस्ट बहुत बढ़ा देता है, रिच कर देता रिच करता है, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और ये थोड़ा सा ग्रीन लीफ के हिसाब से मैं स्पिनच देता हूँ, स्पिनच एक अच्छा सा फ्लेवर भी देता है और टेस्ट भी देता है, और एक मिक्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर भी देता है, यू गेट एनफ फाइबर, और मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ पार्मिजन चीज़, दीज आर ग्रेटेड फाइनली ग्रेटेड पार्मिजन चीज़ एज यू कैन सी, ओके, ये मैं एट द एंड यूज करता हूँ, और पास्ता कुक होने के बाद, जब पास्ता कुक हो रहा होगा इन द मीन टाइम आई विल प्रोसेस दिस थिंग, ये नॉन स्टिक है और पास्ता वहाँ कुक हो रहा है तो यहाँ से मैं इनको प्रोसेस करना शुरू कर देता हूँ, तो इसमें मैं पहले ऑलिव ऑयल देता हूँ, लॉट्स ऑफ ऑलिव ऑयल, ओके, क्योंकि इतने सारे वेजिटेबल्स या होगा तो आपको या थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, यस, सो लॉट्स ऑफ ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल को ज़्यादा गर्म करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा अगर आप गर्म करते हैं तो फिर वो बर्न होने लगता है, तो थोड़ा सा हीट होने के बाद आई विल पुट गार्लिक ऑन देम, अब हमें हमारे ये पास्ता में 5 मिनट ऑलरेडी हो गया है, तो मैं इसको दे देता हूँ ये एग नूडल्स को, जो कि और 5 मिनट कुक होगा, तेल गरम हो गया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा ये गार्लिक जो चॉप्ड गार्लिक है उनको दे देता हूँ, और इसको हार्डली आई विल इसको थोड़ा सा सॉटे कर दो, मिक्स कर दो 10-15 सेकेंड,
गार्लिक का फ्लेवर आने लगेगा। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये जो फाइनली चॉप्ड ओनियन है वो डाल रहा हूँ। ओके, अब इनको मैं तब तक फ्राई करूँगा जब तक ये ओनियन जो है थोड़ा अच्छी तरह से कुक ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। कुकिंग तो मेरा पैशन है एक्चुअली, और आई लव टू कुक एंड मैं आई ट्राई ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लाइक इंडियन डिफरेंट डिशेज, वेस्टर्न डिशेज, स्टार्टिंग फ्रॉम स्नैकिंग एंड मेन डिश इन वेस्टर्न डिश एंड क्या बोलते हैं उसको कि बहुत सारे, इवन इंडिया में भी बहुत सारे तरह की कुजीन होता है। आप नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट मूव करोगे तो अभी स्टेट में आपको अलग अलग कुजीन मिलेगा, तो मुझे वो सारे सीखने का, बनाने का शौक है। तो अपार्ट फ्रॉम कुकिंग मुझे ये डॉक्यूमेंट्री देखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे मुझे एक्चुअली बेसिकली आई एम वेरी क्यूरियस एंड बीइंग ए साइंटिस्ट यू हैव टू बी क्यूरियस ऑल द टाइम। तो मुझे मतलब ऐसा होता है कि साइंटिस्टों को टाइम ही नहीं मिलता है कि कुछ ऐसा करने का, जैसे उनका जो हॉबी होता है उनको करने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमेशा पढ़ाई एक्सपेरिमेंट में ही उनका टाइम चला जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप रिसर्च के बाद भी ये सब कर पाते हैं। एक्चुअली देखो, साइंस मेरा प्रोफेशन है और खाना बनाना मेरा पैशन है। ओके, तो अपने पैशन के लिए लोग टाइम निकाल ही लेता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसको जो चीज़ अच्छा लगता है उसके लिए वो टाइम निकाल ही लेता है। और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है जिसकी वजह से, और खाना खाना भी अच्छा लगता है। ये वजह है कि खाना खाना अच्छा लगता है और बाहर का खाना इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं खुद खाना बनाता हूँ और अपने हिसाब से खाना बनाता हूँ, मैं जैसे चाहता हूँ। और मुझे खाना लोगों को खिलाने भी अच्छा लगता है बना के। आज जो पास्ता बन रहा है, ये हमारे दो फ्रेंड आ रहे हैं और उनके लिए पास्ता बना रहा हूँ। तो क्योंकि पास्ता बहुत सारी चीज़ों के साथ जाता है, जैसा कि ये वेस्टर्न फूड है तो ये वेस्टर्न ड्रिंक के साथ जी भी जाता है, तो इसलिए लाइक यू कैन हैव पास्ता विथ वाइन, रेड वाइन और वाइट वाइन, और इवन विथ हार्ड ड्रिंक। ओके, लाइक विस्की और सम काइंड ऑफ कॉकटेल, इट गोज वेरी वेरी वेल। और ये ऑलमोस्ट होने वाला है, हो गया। और क्या क्या डाल सकते हैं पास्ता में आप, जैसे जुकिनी, स्पिनच, मशरूम एंड एक्चुअली मैं और एक चीज़ भी प्रेफर करता हूँ, जैसे एस्पेरागस हो गया। एस्पेरागस का टेस्ट बहुत लोगों को पसंद आता है और कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आता है, बट मुझे बहुत पसंद आता है। और एस्पेरागस भी एक इसमें एलिमेंट देता है, बहुत अच्छा लगता है। घर पर है नहीं तो हमने डाला नहीं। मैं वो प्रेफर करता हूँ एस्पेरागस ऑल्सो। और इसमें एक्चुअली पास्ता में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल आप डालेंगे, बहुत वेराइटी, तो अच्छा नहीं लगेगा, ये सब्जी जैसा हो जाएगा। ओके, अब ये ओनियन हो गया है, अब ओनियन हो गया तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले जुकिनी डालेंगे। क्योंकि जुकिनी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको फाइनली चॉप बहुत ही पतला पतला काटा हुआ है, और इसको अराउंड 1 मिनट के आसपास में सॉटे करने के बाद इसमें मैं मशरूम डालूंगा, जो भी जो अलग से फाइनली चॉप है। ओके, अब ये थोड़ा सा पक गया है जुकिनी जो है, अब मैं इसमें मशरूम डाल दूंगा। मशरूम ऑल्सो इसमें मैंने हार्डली लाइक 3 to 4 लार्ज साइज मशरूम डाला हुआ है, और बहुत ही फाइनली चॉप्ड, क्योंकि जब पास्ता फाइनली पास्ता बनेगा उसमें मशरूम दिखाई नहीं देगा आपको, पर मशरूम का आपको फ्लेवर मिलेगा। ओके, अब ये पकेगा थोड़ी देर, अराउंड 2 to 3 मिनट्स। आई थिंक पास्ता विल टेक 1 to 2 मिनट्स मोर। या इट्स ऑलमोस्ट डन।
तो फ्रेंड मेरे पास एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है, तो इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ लाइक डिनर के लिए। तो चलिए घर पर जो भी है उससे मैं डेकोरेट करती हूँ। घर पर तो ऐसे डेकोरेशन का बहुत कुछ होता है, जैसे फ्लावर वाश होता है, उसमें फ्लावर भी होता है। तो मेरे पास ये एक है तो जिससे मैं डेकोरेट करूँगी। ये है मेरा छोटा सा डाइनिंग टेबल और इसमें मैं ये डेकोरेट करूँगी फ्लावर वेस रख के। तो ये हो गया, ये डन है अभी डिनर के लिए। अभी फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, थोड़ी देर में वो लोग आते ही होंगे, तो हम लोग डिनर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं पास्ता रेडी हुआ या नहीं। ओके, अभी इसमें मैं ब्रोकली डाल रहा हूँ। ब्रोकली ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, इसलिए मैं ब्रोकली को बाद में देता हूँ, थोड़ी देर कुक होगा ये। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगा स्वाद अनुसार, सो अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसमें डालेंगे सॉल्ट। हम लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं उसमें सॉल्ट, ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना क्योंकि पास्ता सॉस में भी सॉल्ट होता है। हाँ, इसे ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है। वेजिटेबल जितना डाल रहे हैं उससे थोड़ा सा कम डालेंगे, वेजिटेबल के हिसाब से उससे थोड़ा कम डालेंगे तो टेस्टी बनेगा, अदरवाइज सॉल्टी हो जाएगा। क्योंकि सॉल्ट आपकी पास्ता सॉस में भी है, चीज़ में भी है, और जो पास्ता उबाल रहे हैं उस पास्ता में भी सॉल्ट है, तो उनमें सॉल्ट तो लगेगा नहीं। तो सॉल्ट आप जो वेजिटेबल डाल रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा कम डालेंगे। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा कर दूँगा। हमारे मास्टर शेफ कितने अच्छे से खाना बना रहे हैं, थैंक गॉड मुझे बनाना नहीं पड़ रहा है डिनर। कभी कभी हस्बैंड लोग के हाथों से खाना अच्छा लगता है। अच्छा, कभी कभी हमें समझ करना। पास्ता कुक हो गया और ब्रोकली भी ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ, अभी पास्ता भी थोड़ी देर में, कितना टाइम अभी लगेगा? और पास्ता पूरा बनने में अभी और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, टोटल 5 मिनट पास्ता बन जाएगा। तो जब तक पास्ता नहीं बनता स्ट्रॉबेरी खा लेते हैं। वाओ स्ट्रॉबेरी, जब तक पास्ता नहीं बनता है कुछ भी खा लो। हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा स्पिनाच डाल दूंगा मैं, और स्पिनाच ज़्यादा पकाना नहीं है। इसको हार्डली 30 सेकेंड टू लेस देन ए मिनट इसको पकाना है। और जब ये पक रहा है तो इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर डाल दूँगा, और आपको पता है सॉल्ट एंड पेपर इज द बेसिक टेस्ट इंग्रेडिएंट ऑफ आवर इंडियन कुकिंग, एंड ऑल्सो लॉट ऑफ वेस्टर्न कुकिंग ऑल्सो यूज पेपर। सो फ्रेशली क्रश्ड पेपर एक अच्छा सा फ्लेवर देता है, इसलिए वो मैंने डाल दिया अभी। और ये हो गया ऑलमोस्ट, और इसमें मैं सॉस डाल दूंगा। और ये पास्ता के अमाउंट के हिसाब से जितना है उससे थोड़ा सा कम है, तो मैं थोड़ा सा इसमें रेड सॉस मिक्स कर दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि वो भी जाएगा, क्योंकि वो रेड सॉस नॉर्मली आपका जो फाइल पास्ता है उसमें जाता है, उसके हिसाब से वो भी थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करेगा टेस्ट को। ओके, मतलब ये सॉस ज़्यादा ही डालना है? हाँ, ये थोड़ा और ज़्यादा डालना चाहिए था, बट ये फिर भी ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं डालूँगा, जस्ट थोड़ा सा, दैट्स इट। ओके, अभी इनको थोड़ा सा मैं हार्डली लाइक 15-20 सेकेंड इनको कुक करूँगा, क्योंकि सॉस को थोड़ा सा हम नॉर्मली जो वेस्टर्न लोग बनाते हैं खाना वो पास्ता सॉस को कुक नहीं करते, बट इसको थोड़ा सा अगर वार्म कर दो और थोड़ा सा कुक कर दो तो इसका फ्लेवर एनहांस हो जाता है। शायद ये सीक्रेट पता नहीं है उनको, इसलिए वो नहीं करते हैं, बट मैंने ट्राई किया है, इसको ऐसे यूज किया है, खाया है, उसका सब कुक करके खाया है। ये आपकी ओन रेसिपी है? ये मेरी ओन रेसिपी है। ओके, अब आप लोगों को पता चल गया है। ये जो सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट से गार्लिक हो गया, और जो सीक्रेट ऑफ कुकिंग कि थोड़ा सा उसको कुक करो,
तो ये आप बार बार ट्राई करेंगे तो डिफरेंट तरीके तो आपको पता चल ही जाएगा। पास्ता हो गया है। आप भी पास्ता बना सकते हैं अपने घर हाँ पर, लेकिन मैं तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि इनके हाथों का पास्ता ही मुझे अच्छा लगता है और मैं इनके हाथों से ही खाऊंगी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं पास्ता को फिल्टर कर रहा हूँ। इसमें से जो पानी है उसको निकाल दीजिए। अभी कुक हो गया है, इसमें पास्ता डाल दीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, वेजिटेबल्स और सॉस अच्छी तरह से पास्ता में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें चीज़ डालेंगे जो फाइनली ग्रेटेड है, और इसमें खूब सारा डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालेंगे। ओके, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, पहले मिक्स करेंगे। और ये ध्यान रहे कि ये जो उसका फ्लेम है बहुत ही लो में है, लो फ्लेम है। तो चीज मतलब आप जितना ज्यादा डालेंगे टेस्ट भी उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मींस एक अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपको लगेगा कि आप चीज खा रहे हैं। ओके, तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालेगा डालिएगा। हाँ, ऑलरेडी सॉस में भी चीज, ऑलरेडी सॉस में चीज है तो इसमें भी चीज बहुत ज्यादा नहीं डालना चाहिए, आप अपने हिसाब से डालेंगे। हो गया, चीज को एक साथ नहीं डालना है, नहीं थोड़ा क्योंकि एक साथ डालेंगे तो फिर वो बल्क में मतलब इकट्ठा हो जाएगा, तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा तो, क्योंकि ये अमाउंट ज़्यादा, अगर आप एक दो जने के लिए पास्ता बना रहे हैं तो फिर एक साथ डाल सकते हैं, क्योंकि ये चार लोगों के लिए पास्ता बन रहा है, चार पाँच लोगों के लिए इट इज स्ट्रेच, तो इसमें बार बार में डालना पड़ता है। ओके, अब इसको मैंने मिक्स कर दिया और इसको मैं फ्लेम को बंद करके इसको ढक के रख दूंगा। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। अभी पास्ता हो गया रेडी, तो देखते हैं कि कैसा बना है, टेस्ट करके देखेंगे, लेकिन टेस्ट हम नहीं करेंगे, टेस्ट करने के लिए गेस्ट को छोड़ देंगे और गेस्ट बताएंगे कि पास्ता कैसा बना है। ओके ओके, आपको That's क्या my लगता test है time. आपको क्या लगता है कि पास्ता कैसा बना होगा? एंजॉय इट, दे विल लव इट, बट वी विल सी। ओके ओके, तो फ्रेंड्स हमारे गेस्ट आ गए हैं, चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट से। वो हमारे एक फ्रेंड है, हमारे ही बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे एक फ्रेंड है। हाय हाय, कम कम कम, ये लो गाइस, पास्ता रेडी। हाँ, गेस्ट भी रेडी। यस, गेस्ट आल्सो रेडी, जज रेडी, जजेस रेडी, मास्टर सेफ डॉक्टर तेज, मास्टर सेफ वेटिंग फॉर द जजमेंट। ओके, हाय फ्रेंड, चलिए देखते हैं आज पास्ता कैसे बना है। तो ये है हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ डिनर के लिए आए हैं, और पास्ता भी रेडी है, तो देखते हैं पास्ता कैसे बना है। ये पास्ता का जो एक्सपेरिमेंट है, दो सॉस मिला के पास्ता बनाना, तो आज देखते हैं पास्ता कैसे बना है, हमारे फ्रेंड हमें बताएंगे। इट्स लुक सो यम, लेट्स ट्राई। गिव मी सम मोर। ओके, आई एम आल्सो गिविंग यू बेटा। ओके, इट्स यम। तो पास्ता कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, इट्स रियली सो यम। I'm going to take the recipe later. तो हमारे फ्रेंड को बहुत अच्छा लगा, ये ट्रूली कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। बताइए कैसा लगा आपको पास्ता? It's so good. It's truly so good. Yum. Oh. Very tasty. Like it. तो मास्टर सेफ डॉक्टर तेज, आई एम हैप्पी, आई एम, मेरा पास्ता अच्छा लगा मुझे, आपको, आप भी बनाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। अब बताना कमेंट में कि कैसा आपको लगा पास्ता बनाने के बाद, हमारा रेसिपी फॉलो करने के बाद। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो ये जो है पास्ता रेसिपी, मैंने पास्ता पर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर एक सॉस आपके पास थोड़ा सा है, दूसरा सॉस अगर अच्छे से है, तो दो सॉस मिला के आप कैसे पास्ता को बहुत टेस्टी बना सकते हैं। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था बहुत ही अच्छा गया, हमारे फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आया, पास्ता बहुत पसंद आया, और आप लोग भी बना सकते हैं, और आप लोग हमें बनाकर खाइए और हमें बताइए कि पास्ता कैसे बना था। बाय बाय।